बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला और इतने शॉर्ट नोटिस पे आज यहां पे आ पाए। मैं मराना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये पंडाल सजाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे जलसे का मकसद एक अपना सियासी मिशन बयान करना है और दूसरा जो आजकल कुछ सियासी जमातें हमारे मुल्क के बारे में हमारी फौज के बारे में गलत बातें करने की लगी हुई है वो बातें अवाम के सामने लाने के लिए। आप सबको आज बताता चलूं कि ये लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नारा लेके निकली थी, सबने ये बात की थी कि वोट को इज्जत दो। ये कौन सी इज्जत दी है उन्होंने वोट को, ये कौन सी इज्जत दी है अपनी आवाम को जो आज पूरी नून लीग यहां के एमएलए उसमें मौजूद मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं, फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सलाह दी है उन्होंने अपने वोटर को, आपके सर पे आपसे वोट लेके असेंबली जाते हैं, आपकी नुमाइंदगी करने वो असेंबली जाते हैं और आज आपकी नुमाइंदगी वो किस तरह कर रहे हैं, अपनी फौज के खिलाफ बातें करके, अपने मुल्क के खिलाफ बातें करके। ये बात ना मुझे ना मेरे खानदान को ना मुस्लिम लीग काफ को कभी भी मंजूर हो पाएगी। हमारी फौज, हमारे सिपाही, हमारे जितने नौजवान बॉर्डरों पे खड़े हैं वो हमारी हिफाजत करने के लिए खड़े हैं, अपने खानदान पीछे छोड़ के, अपनी फैमिलियां पीछे छोड़ के वहां जाके शहीद होते हैं। किसके लिए होते हैं शहीद? हमारे लिए होते हैं। आज हम अपने घरों में महफूज बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की वजह से बैठे, और ये लोग उन्हीं लोगों को जब इन लोगों को मुसीबत आती है तब ये भागते फिरते हैं पाक फौज के पास। लेकिन आज पहले इन्होंने आज से कुछ साल पहले गुजरात गए थे इस्तकबाल करने चोरों का, अब 16 तारीख को गद्दारों में इस्तकबाल करने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हरकतें कर रहे हैं इसके बाद कोई भी बंदा इनके साथ जाने को तैयार होएगा। इंशाल्लाह मुझे नहीं उम्मीद कि 16 तारीख इनका जलसा कामयाब होएगा। जहां तक बात रही
हमारे घर के मिशन की, चौधरी झूले शहीद के मिशन की, हमने हमेशा से अमन अमान के लिए आवाज उठाई है, हमेशा से खिदमत, ताबेदारी, प्यार और मोहब्बत की है अपनी आवाम के साथ, अपनी आवाम की इज्जत की है, उनकी खिदमत करके उनकी दिलों में जगह बनाई है, उनके दिलों में जगह बनाने के बाद, उनकी खिदमत करने के बाद उनसे वोट मांगे, उनसे पहले उसे वोट भी नहीं मांगे। और इंशाल्लाह ताला चौधरी शहीद की नशे कदम में चलते हुए आप लोगों की खिदमत करूंगा, आप लोगों की ताबेदारी करूंगा, आप लोगों के दिलों में जगह बनाऊंगा, फिर जब इलेक्शन आने 2023 में तब आपसे वोट मांगूंगा, वरना आपसे वोट भी नहीं मांगूंगा। आगे ये जो सियासी प्रोपेगेंडे आजकल ने चलाए हुए हैं, मैं कहता हूं कि इनकी आदत है, नून लीग को छोड़े यहां के सियासतदान जो है उनकी आदत है, बड़ी गंदी आदत है कि पढ़ के मारते रहते हैं जिधर देखो। लेकिन मैं आज बताना चाहूंगा इन लोगों ने 2023 तक बढ़ के ही मारते रहने, हमने अपनी आवाम से प्यार करके इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाना है। आप सब जितने मेरे साथी स्टेज पे हैं, सारे मेरे साथ खड़े हैं, मेरे जितने बुजुर्ग मेरे भाई आज इस पंडाल में हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप यहाँ आए 22 तारीख कोटले भी हमने जलसा रखा हुआ है, आप सबको दावत देना चाहूंगा कि वहां भी आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह ताला वहां से भी आप वहां पे भी आपसे खिताब होएगा। लेकिन आज जाते जाते आपसे एक और बात करना चाहूंगा और आखिरी बात करना चाहूंगा, और अपनी पूरी अवाम की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, मुस्लिम लीग काम की तरफ से एक पैगाम देना चाहूंगा कि हम हमेशा जिंदगी के आखिरी दम तक हम पाक फौज के साथ हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने खून का आखिरी कतरा भी दे देंगे, लेकिन पाक फौज के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला।